हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि होली के बाद आप लोग अपने स्किन केयर कैसे करें, और होली खेलते टाइम आप लोग कलर का अगर यूज करते हैं तो नेचुरल कलर का यूज करें, और फिर भी होली खेलने के बाद अगर स्किन पर से कलर नहीं हटते हैं या कलर हट जाते हैं लेकिन बहुत सारे पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, स्किन ड्राई हो जाती है या बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्म हो गई है होली खेलने की वजह से, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी, और वो भी बिल्कुल आपकी किचन में ही है ये दोनों ही नुस्खे, और क्या क्या चीजें चाहिए और आपको कैसे इसे यूज करना है ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। अब उसके लिए आपको देखिए, सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये क्या है, ये है खांड। खांड देखिए, ये तीन तरह की शुगर की ही प्रकार होते हैं, एक शुगर यानी चीनी होती है, एक बूरा होती है और एक खांड होती है, लेकिन चीनी नुकसान देती है और जो खांड है वो तासीर में ठंडी होती है और हार्मफुल नहीं होती है, तो इसलिए हम चीनी के साथ में इसे स्विच कर सकते हैं। तो पहली सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, पहली क्या है, पहली है देखिए ये खांड, तो और दूसरी चीज है देखिए, मैंने ये पैकेट वाला दही लिया है और ये दही भी मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लिया है, करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या करना है, थोड़ा सा ना थिक दही लेना है, दही लेना है 1 चम्मच, और उसमें 1 ही चम्मच ये खांड मिला लेनी है। इसको आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, देखिए इस तरह से आप इसको पेस्ट बनाएंगे, तो ये क्या होगा कि एक तो टैनिंग को दूर करेगा और दूसरी चीज है ये देखिए, इसको इस तरह से यूज कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना ड्राई जो हो गई है या पैचेस पड़ गए हैं वो सब बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और आपको आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हमने इसमें दही का यूज इसलिए किया है क्योंकि दही में विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी होता है, और हम सब ये जानते हैं कि स्किन के लिए विटामिन सी एक वरदान है, तो इसलिए हमने दही लिया है, और दही में विटामिन सी के कारण हमारी जो स्किन है वो नरिश हो जाएगी। दूसरी चीज, इसको आप लिप्स पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही नेचुरल है। और दूसरी चीज, आपको इसे कैसे यूज करना है, इसकी जो मसाज है आप लोगों को वो राउंड मोशन में करनी है और ऊपर की तरफ करनी है। दूसरी चीज, जो लिप्स की साइड में ब्लैक ब्लैक हो जाता है, अगर आप 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करेंगे तो उससे भी ये जो ब्लैक स्किन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और मसाज बिल्कुल ऐसे ही करनी है। कितनी देर तक मसाज करनी है, 10 से 15 मिनट मसाज करनी है। आप इसका प्रयोग गर्दन पर भी जरूर करें, और इसको लगाने के बाद गर्दन पर इसी तरह आप लोगों को मसाज करनी, इससे गर्दन के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे और आपकी जो गर्दन है वो डबल चिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और गर्दन भी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। फेस पर भी इस तरह से आपको मसाज करनी है, उससे क्या होगा कि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा लाइट, ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी। आप इस पेस्ट का यूज अपने हाथों पर भी कर सकते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपके हाथों में जो ब्लैक हो गए हैं, उंगलियों के बीच में जो ब्लैक हो जाते हैं या जो जॉइंट्स हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं, तो थोड़ी ही देर मसाज करने के बाद आपके हाथ भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और ऐसा आपको टोटल 10 से 15 मिनट ही करना है, उसी में ही आपकी जो टैनिंग है वो खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो आप खुद यूज करेंगे इस D10 पेस्ट को, तब आपको खुद पता लगेगा कि इसके बाद
कितनी सॉफ्ट हो गई है, एकदम बेबी स्किन। और देखिए मेरे हाथ पहले और अब आप लोग देख रहे हैं, और इस टाइम देखिए मैंने कोई भी किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं लगाओ आपके सामने। मैं अभी अभी फेस वॉश करके आई हूँ और देखिए कुछ भी नहीं है, और मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है ये यूज करने से। तो इसलिए एक बार होली से पहले और एक बार होली के बाद, दोनों बार यूज कीजिए, और फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आया है, और ड्राई स्किन बिल्कुल ही चली गई है, और आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो गई है।